Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your science class and I am your science teacher. Well students, for today's task, you have to open your reader book of science, page number 79. Well students, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी डायग्राम है क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो आज हम जो काम करेंगे वो वर्कबुक पे करेंगे, पेज नंबर 16 एंड 17. सो बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज़ टास्क, पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं और पेजेस से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि हम पेज नंबर 16 एंड 17 को ईजिली सॉल्व कर सकें. सो फर्स्टली आप पेज नंबर 79 पे जो आपकी डायग्राम है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, इसको मैंने मज़ीद लेबल कर दिया है, या आप लेबलिंग देख सकते हैं. जो आपके थर्मोमीटर है उसमें टू स्केल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. जो राइट साइड पर स्केल है वो आपका सेल्सियस स्केल है और जो लेफ़्ट साइड पर स्केल दिखाया गया है ये फारेनहाइट स्केल है. और लास्ट में ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, बल्ब. और बल्ब में जो लिक्विड है विच इज़ इन रेड इन कलर, ये क्या है, मरकरी. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक और टर्म है एब्सोल्यूट ज़ीरो. -273 डिग्री सेल्सियस टम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है क्योंकि ये वो टम्परेचर है जहाँ पर हर चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो मैक्सिमम कोल्डर हो सकती है. मीन्स ये आपकी किसी भी चीज़ के ठंडे होने की आखिरी हद है. इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एक्सपेंड की, तो एक्सपेंड का वैसे तो मतलब होता है फैल जाना, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब आपका जो थर्मोमीटर है उसके इर्द गिर्द टम्परेचर जो है या जो इन्वायरमेंट है वो अगर वार्म होगा तो बल्ब में जो लिक्विड है वो फ़ौरन से अपवर्ड मूव कर जाएगा. तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है इसको कहते हैं एक्सपेंड होना या एक्सपेंशन. इसी तरीके से अगर आपका जो थर्मोमीटर है उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट जो है वो कोल्ड है, ठंडी है, तो आपका जो लिक्विड है बल्ब में जो लिक्विड है वो फ़ौरन से डाउनवर्ड मूव कर जाएगा. तो ये जो डाउनवर्ड मूव करना है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट. सो नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू ओपन योर वर्क बुक ऑफ साइंस, पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ विच टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. सो स्टूडेंट्स, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द लिक्विड ऑफ द थर्मोमीटर व्हेन द एयर अराउंड इट गेट्स कोल्डर वार्मर. अब दो कंडीशंस बता दी गई हैं कि अगर थर्मोमीटर के जो एयर है इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट या एयर है अगर वो कोल्डर होगी तो लिक्विड जो है वो किस तरह से मूवमेंट शो करेगा. सो स्टूडेंट्स, अगर इन्वायरमेंट कोल्डर है देन द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड. सिमिलरली अगर इन्वायरमेंट जो है या एयर थर्मोमीटर के इर्द गिर्द जो एयर है वो वार्मर है, गर्म है, तो लिक्विड किस तरह से मूव करेगा, द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर एक्सपेंड्स एंड मूव अपवर्ड. तो लिक्विड जो है वो क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा और अपवर्ड मूव कर जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन विच इज़ द कलर्ड लिक्विड इन द थर्मोमीटर्स इज़ यूजली मरकरी और कलर्ड अल्कोहल. थर्मोमीटर्स में जो लिक्विड यूज़ किया जाता है वो या तो मरकरी होता है या कलर्ड अल्कोहल होता है. वाई आर दिस लिक्विड्स यूज इंस्टेड ऑफ वाटर. इन लिक्विड्स को क्यों यूज़ किया जाता है, वाटर को एज अ लिक्विड क्यों यूज़ नहीं किया जाता. व्हाट स्पेशल प्रॉपर्टीज डू दीज लिक्विड्स हैव डैट मेक देम सूटेबल टू बी यूज्ड इन अ थर्मोमीटर. कौन सी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन लिक्विड्स को थर्मोमीटर में यूज़ करने के लिए ख़ास बनाती हैं. ठीक है, सो द योर आंसर इज़ बिकॉज दे हैव हायर एबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन देन वाटर. क्योंकि उनकी जो एबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन है, मतलब जो उनके एक्सपेंड होने की काबिलियत है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर. दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन थर्मोमीटर एज लिक्विड्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 में आपके पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थर्मोमीटर की डायग्राम ड्रॉ करनी है. ड्रॉ करने के बाद सेकेंडली आपने उसको लेबल भी करना है. सो स्टूडेंट्स, जो आपको मैंने डायग्राम दिखाई है पेज नंबर 79 पर, इसको मैंने लेबल कर दिया है. सो आपने डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इस तरह से डायग्राम को लेबल भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने पेज नंबर 16 और 17 को कंप्लीट करना है. आफ्टर
कंप्लीटिंग आपने इन पेजेस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है।